नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि दशहरे से पहले ही मिल जाएंगे लड्डू। लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का हो गए हैं ऐलान। दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकारों ने उनके लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। इनमें बिहार सरकार के दशहरे पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। राज्य सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते की रकम अक्टूबर में कर्मचारियों को 2 महीने के एरियर के साथ ही देगी। बिहार कैबिनेट ने हाल में ही इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी डियरनेस अलाउंस में इजाफे का ऐलान जल्द हो सकता है। एमपी गवर्नमेंट 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत देने का आदेश अक्टूबर में जारी करेगी। उधर उत्तराखंड में भी महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। सरकारी प्रवक्ताओं के मुताबिक उत्तराखंड के कर्मचारियों को केंद्र के सम्मान डी अक्टूबर में मिलेगा। इससे राज्य पर प्रतिमा 150 करोड़ रुपए का भार आएगा। इन राज्यों में डीए बढ़ने से 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनरों को होगा फायदा। महंगाई भत्ते की गणना करने वाले एजी ऑफिस बदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीश शंकर तिवारी ने 7th पे मैट्रिक्स लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी की है गणना। तो दोस्तों, हरीशंकर तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण एचआरए और टीए में भी जोरदार इजाफा हुआ है। लेवल 1 के कर्मचारियों के एचआर में, जो एक्स कैटेगरी के शहर में रहते हैं, करीब 540 रुपये महीने का फायदा हुआ। हालांकि इन शहरों में न्यूनतम एचआरए तय हुआ है, वही टीपीटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के करीब 230 रुपये महीने की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।